हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जानेसार डामे की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। फराज और उसकी फैमिली के साथ मुकाफात होने वाली है। वो लोग जो दूसरों की बेटियों पे उंगलियां उठाते थे, कीचड़ उछालते थे, उनके किरदारों पे कीचड़ उछालते थे, अब बात उन पे आने वाली है। होगा ये नाजरीन, फराज का वालिद जिसका दोस्त बैरूनी मुल्क से पाकिस्तान आने वाला होता है और वो लोग मांग लेते हैं फराज की सिस्टर का रिश्ता। उसका वालिद खाने के टेबल पे जैसे ही जिक्र करता है तो फराज की बहन का वहीं पे मुंह बन जाता है। फिजा इस बात को बहुत ही गौर से और तवज्जो से महसूस करती है। नादरीन, होगा ये कि फराज की बहन किसी और लड़के में इन्वॉल्व होगी और उसने अब तक ये बात घर वालों से छुपाई होगी। सब घर वाले तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि इतना अच्छा रिश्ता बैठे बैठाए उनकी बेटी के लिए आ गया। फिजा अपनी नंद के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या मसला है तुम्हारे साथ, मुझे अपनी बहन समझ के बताओ। तो आप देखोगे कि वो सारा कुछ फिजा को बता देगी। चूँकि फिजा का राज भी उसके पास है, फिजा जो कि दुआ से मिलती है और दुआ के साथ बात करती है, वो जानती है उसने भी फिजा का ये राज रखा हुआ है। आप देखोगे नाजरीन के फिजा जब घर वालों को ये बात बताएगी कि आपकी बेटी तो किसी और को पसंद करती है, आप लोग जबरदस्ती उसकी शादी यहाँ मत करें, तो वो लोग इसका इल्जाम भी फिजा पे डालेंगे कि ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, तुमने हमारी बेटी को खराब किया है, वरना वो तो बहुत सीधी सादी और मासूम थी। दूसरी तरफ नादरीन, नौशेरवान गजनवी जो कि हो रहा है दो कश्तियों का सवार। इंसान के लिए बेहतर होता है कि वो एक ही कश्ती में रहे, लेकिन फरा के आने के बाद उसकी जिंदगी में हलचल मच चुकी है। ना वो फरा से बिल्कुल नफरत का इजहार कर सकता है क्योंकि बहरहाल वो उसकी मोहब्बत रह चुकी है, और ना ही वो फरा को कबूल करना चाहता है। फरा उसकी जिंदगी में गले में फंसी उस हड्डी की तरह हो चुकी है जो ना इंसान निगल सकता है और ना उबर सकता है। नौशेरवान काफी खोया खोया रहने लग गया होता है। दुआ जो कि बहुत ज्यादा खुश होती है और उसको बता चुकी होती है कि मेरे वालिद ने मुझको माफ कर दिया और मुझे कबूल कर लिया है। नौशेरवान भी दुआ के लिए खुश होता है, लेकिन दुआ उसको कहती है कि आप आजकल बहुत ज्यादा खोए खोए रहते हैं, क्या काम का बहुत ज्यादा बोझ है आप पे? अब गजनवी उसको क्या बताता है कि उस पे काम का बोझ है या फरा का। फरा जो कि पहले भी उसको जिंदगी में अजियत दे चुकी थी, जब उसको फरा की जरूरत थी वो उसको तना छोड़ के चली जाती है, और अब जबकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका होता है और दुआ उसकी जिंदगी आ चुकी होती है और वो खुशियों की तरफ लौट आया होता है, तो फरा दोबारा से एक अजाब की तरह वापस आ जाती है। वो बहुत कोशिश कर रहा होता है फरा से जान छुड़वाने के, लेकिन फरा कोई मौका जाने नहीं दे रही होती। माला जिसके जासूस उसको हर वक्त पल पल की खबर देते हैं, इतना शायद दुआ को नहीं पता होता है जितना कश्माला को पता होता है कि नौशेरवान इस वक्त कहाँ है। ना सिर्फ पता होता है बल्कि उसके मोबाइल में लेटेस्ट तस्वीर भी होती है। नौशेरवान गजनवी के वालिदैन आपस में बात कर रहे होते हैं कि शुक्र है हमारा बेटा आजकल बहुत ज्यादा खुश है, दुआ के उसकी जिंदगी में आ जाने से वो बहुत खुश है। तो कश्माला भी यहाँ पर मौजूद होती है, वो कहती है कि वो दुआ के साथ खुश है या फरा के वापस आ जाने के बाद। तो गजनवी की वालदा चौंक जाती है, वो कहती है कि तुम क्या कह रही हो। कश्माला उनको तस्वीर दिखाते हुए कहती है कि देखिए मैं सच कह रही हूँ, फरा उसकी जिंदगी में वापस आ चुकी है और वो अपना ज्यादातर वक्त उसी के साथ गुजार रहा है। ये बात सुनकर बाबा साई और उसकी अम्मा साई बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। वैसे वो गर्लफ्रेंड तो नौशेरवान गजनवी की थी, लेकिन यहाँ पे उसकी वालदा कहती है कि फरा तो बहुत तेज लड़की है, आप नौशेरवान से बात कीजिए, वो फरा से जान छुड़वाए, वरना वो तो उसको बेच खाएगी, वो तो बहुत तेज है।